सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, दैट इज इनफर्टिलिटी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. सो बेटा, इनफर्टिलिटी होती क्या है? इनफर्टिलिटी एक तरीके की इनएबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की टू कंसीव इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस. ओके, जो कोइटस होता है वो अनप्रोटेक्टेड होता है, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं होती है, बट इन दैट कंडीशन द पर्सन इज अनेबल टू कंसीव. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनफर्टिलिटी में जो एक पर्सन है वो कंसीव नहीं कर पाता है, चाहे वो रेगुलर अनप्रोटेक्टिव कोइटस हो रहा हो वहाँ पर. ठीक है, अब टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फर्टिलिटी. ओके, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें क्या आता है कि जो भी पेशेंट होगा who never had children, कि उसके कभी कोई बच्चे हुए ही नहीं होंगे, that is primary fertility. ओके, और primary fertility जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलती है. ठीक है, second is secondary infertility. तो इसमें होता क्या है कि जो couple होता है वो conceive कर लेता है एक बार, but next time वो conceive नहीं कर पाता. ओके, but unable to conceive the next time. क्लियर, अब बात करें causes की, तो men में क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल है. ओके, या तो हो सकता है हॉर्मोनल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है, या एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो सकता है, या कोई भी जेनेटिक्स कंडीशन हो सकती है, या ड्रग्स एडिक्शन हो सकता है उसको. ठीक है, या अल्कोहलिक हो सकता है. ये कंडीशन होती है मैन में. एंड लेट्स मूव टू द वुमेन. तो वुमेन में क्या हो सकता है, या तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, या यूट्रस एबनॉर्मेलिटीज हुई, या फिर डैमेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब हुआ. तो दीज आर द कॉजेस जिनकी वजह से कोई भी पर्सन जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच.